नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ जिसका नाम है कोचुर लोती चिंगरी माच दिए। ये जो कोचुर लोती है इसे बंगाली में कहा जाता है, इंग्लिश में इसे तारो स्टोलन कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि मैं पहले से ही प्रॉन फिश को फ्राई करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। इसे मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी करीबन 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो प्रॉन जो होता है वो हार्ड हो जाएगा। एक दूसरी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा कलौंजी, 1/2 टीस्पून कलौंजी मैंने ऐड किया है। और देखिए यहाँ पर मिर्च जो है वो मैंने बीच से चीरा लगा लिया है। इसी तरीके से मैं और कुछ मिर्च, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ जो है उसे चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। बहुत बारीक चॉप नहीं किया है, थोड़े बड़े साइज में चॉप किया है, करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा ही जस्ट इसको हल्का सा भूनना है, जैसे ही इसमें से एक अच्छा सा स्मेल आने लगे तब हम इसमें तारो स्टोलन जो कि हमने अच्छे से छील के धो के रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। करीबन 2 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूंगी, एकदम मीडियम फ्लेम में मैं फ्राई करूंगी इसे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इसका रंग जो है थोड़ा सा बदलने लगा है। अब हम इसमें एक एक करके थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। करीबन 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी, 1 टीस्पून यहाँ पर चीनी ऐड करूंगी। चीनी से जो है ये इसमें स्वाद जो है बहुत बढ़िया सा आएगा, इसलिए चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें चीनी थोड़ा सा ऐड ज़रूर कीजिएगा, इससे टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा आएगा। और मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा नमक जो है वो कम रखिएगा, बाद में अगर ज़रूरी होगा तो आप इसमें और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। करने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से ढक दूँगी, करीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसे मैं ढक के पकाऊँगी, ये बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और भी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर सकूं। देखिए यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे चलाना है कि नहीं तो ये सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे अगर आप ज़ोर से चलाएंगे तो ये बिल्कुल गल जाएगा। इसमें मैं अब जो फ्राई किया हुआ प्रॉन फिश था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करके। अब मैं थोड़ा हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लूँगी, मिक्स करने के बाद ही ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत लोग इसमें नारियल भी इसमें देते हैं, कसा हुआ नारियल भी इसमें देने से बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन मैंने यहाँ पर नारियल ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहते हो नारियल देना तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आज का मेरा ये वीडियो बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।